everybody, welcome to Unacademy channel. Let's crack CBSC science 11th and 12th. How are you guys doing? Kaise hain aap sab log? We are live now. Hum live hain ab, and today we are going to do breathing and exchange of gas. Kaafi lamba session hone wala hai. राइट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के काफी यू नो टॉपिक हम करेंगे आज. पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी से बेसिस. तो उससे पहले सब बच्चों के साथ ये लेक्चर शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना. तो स्वाति, रिया, हाउ आर यू गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ सेशन शेयर करने की ड्यूटी आपकी बनती है, है ना. राइट गाइज, सो हाउ आर यू गाइज डूइंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले, मेरा नाम है सिमरन विनायक. मैंने मास्टर्स किया बायोमेडिकल रिसर्च में. मुझे 3 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मेरा रैंक आया था CSIR NEET में 35 एंड IIT जैम में 110. दिस इज लाइव स्कूल डेली. हाँ जी पीयूष, मैं टाइम पर हूँ, आई एम हियर. राइट, सो दिस इज लाइव स्कूल डेली. सबके साथ बता दो कि स्कूल की क्लासेस यहीं पर लगती हैं. पूरे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, स्कूल एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल पर होती है. टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बचे, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी. पर अगर आप हमारे साथ अलग से ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, आप अलग से हमसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अपने एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लस एकमात्र तरीका है कि आप अच्छे से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं अपने सारे एग्जाम्स की. तो प्लस पर नीट होता है, JEE होता है, CBSE क्लास 11th एंड 12th, यू नो. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैटेगरीज हैं, और उसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल यू नो पक्का है. तो 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 15, 18, 24 months आपके पास ऑप्शन है. बेस्ट है कि आप 12 month, 15 month या 18 month का लीजिए. आपको कम पड़ेगा, ₹1000 महीना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स का. कोड अप्लाई आपको करना है सिमरन लाइफ. आपको बाद में मैं बताऊंगी कि ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है. रेफरल कोड याद रखना सिमरन लाइव, अगर आप मेरे से मेंटरशिप चाहते हैं. चलो गाइज अब शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. सो आर यू गाइज इंटरेस्टेड? मैम मैं अब फतेह पर नहीं आओगे? हाँ, ये फतेह सीरीज ही है, फतेह सीरीज ही कंटिन्यू होगी. अभी मैराथन है, राइट, दिस इज मैराथन. पर मैं फतेह सीरीज जो स्टार्टिंग से है एनिमल किंगडम कराऊंगी. ब्रीदिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, वायरसेस बचा है बस, है ना, वायरसेस, वायरियोइड्स. उसके बाद मैं एनिमल किंगडम शुरू कर दूंगी. ओके गाइस, तो ये मैराथन है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. लेट्स सी हो पाता है कि नहीं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, लेट्स स्टार्ट ऑफ. शुरू करें? ठीक है, तो आपको सबको क्लियरली दिख रहा है? पहले मुझे ये बता दो, क्या आप सबको पिक्चर क्लियरली दिख रही है? एक एक वर्ड क्लियरली दिख रहा है? वैसे तो मैंने जूम कर करके लगाया है ये पिक्चर्स. कैन यू गाइस क्लियरली सी इट? एक बार थम्स अप दे दो. निदा, अंसारी, के स्वाति, पीयूष, रिया, स्वाति सिन्हा, हाँ जी बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है. ग्रेट, बबीता, है ना, चलो नाइस, वेरी नाइस. तो बच्चे इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं? इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन किस लिए इस्तेमाल होती है? वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए. क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो ATP है ये यूज होता है वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए, है ना, आपकी मसल एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ATP जरूरी है. और जब CO2 है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, इसको रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. CO2 हैज टू बी रिलीज्ड आउट, वरना आपकी बॉडी क्या करेगी? CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहेगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना, राइट. तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा. एसिडोसिस मतलब CO2 एसिडोसिस कर देगी. CO2 का लेवल जब बढ़ता है बॉडी में तो एसिडोसिस हो जाता है. व्हाट डू यू कॉल इट एज? एसिडोसिस. ठीक है, तो इसीलिए ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बहुत जरूरी है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिमूव करते हैं. ठीक है गाइस, तो ना जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. पहला स्टेप होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है कि एल्वोलाई में लंग्स लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का. लंग्स लेवल पर CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन. फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन.
सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पर, और O2 जो है ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को। फर्क है, ब्रीदिंग में एक्सचेंज हो रहा है गैस का थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज समझ आई आपको गाइस? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? सो लेट्स रीड दिस। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, है ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल है ना। तो CO2 हार्मफुल है जो कि रिमूव होनी चाहिए इन कैटाबॉलिक रिएक्शन में। कैटाबॉलिक क्यों बोला है? क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। सो O2 हैज टू बी कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एनवायरमेंट से, जो लगातार आपके ब्लड से ट्रैवल करके टिश्यूज तक जा रही है, और CO2 को रिलीज आउट होके ब्लड से ट्रैवल करके लंग से बाहर आती है ना। राइट गाइज, जब आप अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हैं, फील कर सकते हैं दैट यू गाइज आर ब्रीदिंग, आपकी चेस्ट ऊपर नीचे मूव करती है। राइट गाइज, डू यू अग्री टू दिस? ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं? जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था तब आपने मेरे साथ पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस में तो गैस के थ्रू ही ऑक्सीजन, यू नो, वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन आ जाती थी, याद आया आपको? सिंपल डिफ्यूजन, वाटर कैनाल सिस्टम होता था, वाटर से ही ऑक्सीजन आती थी और CO2 वाटर से रिमूव हो जाती थी। सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स में भी सिंपल डिफ्यूजन है, मतलब उनकी उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं है, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, उनके पास ऐसे कोई लंग्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं है, गिल्स नहीं है, ठीक है, रेस्पायर करने के लिए, ठीक है, फाइन। इनके पास प्रॉपर डिफ्यूजन मेथड है कि यार वाटर से ऑक्सीजन आएगी और वाटर से CO2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है, सेल के अंदर ही एक्सचेंज हो जाएगा। अर्थवर्म्स बहुत ही, यू नो, म्यूकसी म्यूकसी होते हैं। अगर आप अर्थवर्म्स को देखो तो अर्थवर्म्स की कवरिंग ना बहुत ही ज्यादा म्यूकस और मॉइस्ट होती है ताकि स्किन के थ्रू एक्सचेंज हो सके। अर्थवर्म्स एनलिड में आते हैं और एनलिड जो होते हैं उनकी स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, फाइन। पर वही नीरिस, आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, नीरिस एनिलिडा होता है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है क्योंकि ये एक्वेटिक एनिलिड है, पानी में है, तो पानी में ये कैसे ब्रीद करेंगे? एक्वेटिक एनिलिड है, ठीक है, ओके, गिल्स के थ्रू ब्रीद करता है, ओके गाइस, फाइन। अब इंसेक्ट्स कैसे ब्रीद करेंगे? इंसेक्ट्स में ट्यूब्स होते हैं, इंसेक्ट्स में ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करती है टिश्यूज को, पर इंसेक्ट्स में प्रॉपर ट्यूब होती है जो स्पाइरिकल्स की एग्जिट होती है। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, है ना, स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं इंसेक्ट्स, तो स्पाइरिकल्स ओपनिंग होती है जिससे गैस घुसती है ट्यूब में, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया ट्रेक्यूल्स में, और ट्रेक्यूल सीधा टिश्यूज में जाते हैं। तो कोई भी इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये चीज आपको समझ आती है? इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से नहीं जा रही, एयर सीधा किससे जा रही है? टिश्यू आपके ट्यूब से, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स। ये एनिमल किंगडम में पढ़ा था, है ना, टू ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। गिल्स किस में होती है बच्चे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, जैसे कि आपके प्रॉन्स में, क्रैब्स में गिल्स होती हैं, ठीक है, बुक गिल्स पढ़ा होगा आपने, हॉर्सशू क्रैब में बुक गिल्स होती है, याद आया। मोलस्का में भी टिनीडिया गिल्स होती हैं, नाम क्या है? टिनीडिया, मोलस्का में टिनीडिया गिल्स होती हैं फॉर रेस्पिरेशन, याद आया, ये सब एनिमल किंगडम में पढ़ा था। वही वर्टिब्रेट्स में लंग्स होते हैं, है ना, लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिशेस के पास जो स्पेशली लंग्स उनके पास होंगे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो लैंड पर आ गए हैं, वही जो पानी में है उनके पास तो गिल्स ही होंगे, फिशेस के पास गिल्स होंगे ना, याद है ना, बोनी फिशेस, हैग फिशेस, पेट्रोमाइजोन, इन सब के पास गिल्स हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास लंग्स हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के पास लंग्स तो है पर वो अपनी स्किन से भी ब्रीद कर सकते हैं, दे कैन ब्रीद थ्रू स्किन, क्योंकि वो उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है। रेप्टाइल्स स्किन से ब्रीद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट है उनका एक्सचेंज हो सकता है गैसेस से, और उनके स्किन में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि स्किन पतली होनी चाहिए और ब्लड वेसल सप्लाई होगी तभी तो ऑक्सीजन जाएगी ब्लड वेसल में, ठीक है गाइस, अंडरस्टूड गाइस? तो मैं एक टेबल बना देती हूँ, आप लोग इस टेबल को नोट डाउन कर लो, आपको फायदा मिलेगा,
ठीक है, तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी ब्रीथिंग किससे हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन है ना, इस टेबल को नोट डाउन कर लो, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा आपकी एनिलिड्स की कैसे हो रही है? थ्रू स्किन। आर्थ्रोपोड में आपको पता होना चाहिए। और हॉर्सशू क्रैब की कैसे होती है? आर्थ्रोपोड की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्सशू क्रैब नहीं है, लिमुलस जिसे बोलते हैं, उसकी पिक्चर देखना आप अगर आपने नहीं देखी। ये बुक गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ा रखा है, फतेह सीरीज में फिर से पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्रॉन्स क्रैब्स किससे ब्रीथ करते हैं? इनके गिल्स होती है फेदरी लाइक, फेदर गिल्स बोलते हैं, फेदर गिल्स। ठीक है, फिर आपके इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू ट्रेकियोल्स, ट्रेकिया एंड ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके स्पाइडर्स कैसे ब्रीथ करते हैं? स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस बुक लंग्स, सुना है? इनकी लंग्स जैसा शेप होता है एक्सचेंज के लिए, किताबों की तरह इनके एक्सचेंज का एरिया होता है, ऐसे ऐसे लंग जैसे शेप में ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। फिर आपको भी पता है फिशेस में क्या होता है, गिल्स राइट गाइस, एंड वर्टिब्रेट्स लैंड एनिमल्स में क्या होता है? आपकी लंग्स। ठीक है, तो ये याद रख लोगे, लिख लिया मैंने इंपॉर्टेंट चीजें नीट के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये पिक्चर एनसीईआरटी की है, आपको बनानी आनी चाहिए एनसीईआरटी की पिक्चर। ठीक है, तो लेबलिंग्स देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले देखो एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है? देखो ये टर्म होती है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ओपनिंग है ना, जो ट्रेकिया को जा रही है, ओपनिंग जिससे सांसें अंदर जा रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस ओपनिंग है, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कार्टिलेज का ही बना है, हाइलाइन कार्टिलेज का। एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है जब आप खाना खा रहे हैं, ताकि खाना ट्रेकिया में ना जाए। तो एपिग्लॉटिस बंद कर देते हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जब आप स्वॉलो करते हैं कोई कुछ भी खाना, तो एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया के ग्लॉटिस को बंद कर देगा। ओके गाइस, ठीक है, रिया मेहता मुझे, मैं फतेह सीरीज क्या है बच्चे, इसी चैनल तो फतेह सीरीज शुरू हुई है जिसमें हम पूरा सिलेबस फिर से करा रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस है सीबीएसई का। ओके, तो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में फर्क समझ आया। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है लैरिंग्स, इसकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, है ना, एडम्स एप्पल। ये बड़ा हो जाता है मेल्स में, है ना, होर्स हो जाती है मेल्स में वॉइस प्यूबर्टी के बाद। तो लैरिंग्स भी किससे बना है? हाइलाइन कार्टिलेज से बना है, और ये कार्टिलेज में वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं जब एयर जाती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर मैं पीयूष रेस्पिरेशन में क्यों बताऊंगी, वो तो डाइजेशन में बताऊंगी ना, पीयूष टीथ का स्ट्रक्चर डाइजेशन में बढ़ाया हुआ है। फिर आते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया एक हॉलो ट्यूब है बच्चे, जिसमें आप देख रहे हैं रिंग्स हैं ऐसी, ये सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। कौन सी शेप? सी शेप्ड। आधी क्यों है ये सी शेप्ड? क्यों है ऐसी? क्यों है? क्योंकि पीछे ईसोफेगस है। तो ये देखो ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस है, तो इसलिए पूरी रिंग्स कंप्लीट नहीं है। रिंग्स आर नॉट कंप्लीट, दे आर हाफ, इसीलिए इसे बोलते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये सपोर्ट करती हैं ट्रेकिया को ताकि वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, ट्रेकिया में कौन सा एपिथेलियम होता है? एनिमल टिश्यूज में पढ़ा हुआ है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू लिख लो, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट टाइप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बाय सिमरन मैम ऑन यूट्यूब, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रेकिया के बाद क्या आता है बच्चे? ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद क्या आता है? ब्रोंकियोल्स। देखो बच्चे, ब्रोंकियोल्स में कोई भी रिंग्स नहीं होती,
ब्रोंकस में फिर भी कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, ब्रोंक्यूल में नहीं होती रिंग्स, ब्रोंक्यूल्स में ये कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं होती। ब्रोंक्यूल्स किस में एंड करते हैं? एल्वोलाई में, ठीक है। एल्वोलाई एक्सचेंज एरियाज हैं, आपने टेंथ में भी पढ़ा है, दे आर द एक्सचेंज एरियाज ऑफ गैसेस, बहुत ही थिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है इनमें, ताकि गैस का एक्सचेंज आराम से हो सके, राइट। अब आपको इधर दिख रहा है प्लूरल मेम्ब्रेन्स, कैन यू सी प्लूरल मेम्ब्रेन्स? लंग के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं प्लूरा। लंग की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा, ठीक है। बाहर वाली कब दो लेयर्स हैं, बाहर वाली को बोलते हैं पराइटल प्लूरा, पराइटल मतलब बाहर वाली, और अंदर वाली को क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। हमेशा इंटरनल को विसरल बोलते हैं, बाहर वाली को पराइटल। तो लंग्स की दो कवरिंग है और इन दो कवरिंग्स के बीच में है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, अभी समझाती हूँ उसका मतलब क्या है। पर अभी समझो, लंग्स की दो कवरिंग है, बाहर वाली पराइटल, पराइटल मतलब हमेशा बाहर वाली, अंदर वाली विसरल, उन दोनों के बीच में है प्लूरल फ्लूइड। इज दैट क्लियर टू यू? सारी लेबलिंग क्लियर हुई? और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, स्मूथ मसल्स का बना डायफ्राम, सांस लेने में मदद करता है ना, राइट गाइस? ओके, राइट लंग में थ्री पार्ट्स होते हैं, ऐसे थ्री लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में सिर्फ दो। ये राइट लंग है, इसमें अपर होता है, मीडियल होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, एंड लोअर होता है, और लेफ्ट लंग में सिर्फ अपर एंड लोअर, ठीक है, ऊपर और नीचे। ओके गाइस, क्लियर गाइस? ओके, अब मैं आपको बताती हूं इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन। तो मैंने बोला कि जो लंग्स है ना, उसमें बाहर वाली लेयर क्या है? पराइटल, और अंदर वाली लेयर क्या है? प्लूरल, ठीक है। बाहर वाली पराइटल, यस संसारी, बाहर वाली पराइटल, अंदर वाली विसरल, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू इंटरनल लंग्स का प्रेशर। जो आपका लंग्स का प्रेशर अगर सपोज करो 760 है, तो ये हमेशा 758 पे रहेगा, कम रहेगा। 760 mmHg है अगर, तो ये 758 mmHg रहेगा। क्यों? दो वैल्यू कम रहेगा, क्यों? ताकि लंग्स प्रॉपर इन्फ्लेट हो सके। अगर प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होता तो लंग्स प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हो सकते थे, लंग्स पिचक जाते। ये चीज समझ आती है आपको? कैसे आती? प्लूरल फ्लूइड में जो प्रेशर है वो लंग्स से कम है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स में जो प्रेशर है एयर का, वो ऐसे एरो देखो ऐसे एग्जर्ट होगा वॉल्स ऑफ द लंग पे, तो लंग्स प्रॉपर फूल पाएंगे। ये चीज समझ आती है? आती है हाँ। तो प्लूरल फ्लूइड में प्रेशर कम रहेगा और लंग्स में प्रेशर ज्यादा रहेगा, दो वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड? प्रेम प्रकाश, केशवाति, हां जी पीयूष, अभी समझाती हूँ ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में फर्क। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से देखो। ट्रेकिया में समझ आता है, ट्रेकिया हम सबको समझ आता है ना, ट्रेकिया पाइप है जिससे सी शेप रिंग्स है। ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, तो ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होगा, ठीक है, फाइन गाइस। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट। अब जैसे ट्री की ब्रांचिंग होती है ना, वैसी ब्रांचिंग है। प्राइमरी ब्रोंकस पता किस में डिवाइड हो रहा है? सेकेंडरी ब्रोंकस में, दिख रहे हो आप? प्राइमरी ब्रोंकस किस में डिवाइड हो रहा है? सेकेंडरी ब्रोंकस में, देख रहे हो? सेकेंडरी ब्रोंकस किस में डिवाइड हो रहा है? टर्शरी ब्रोंकस में। तो इट्स लाइक, ध्यान से देखो, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शरी ब्रोंकस, है ना। टर्शरी के बाद क्या आएंगे? टर्मिनल ब्रोंकाई, जिसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये क्या है? आखिरी के ब्रोंक्यूल, और आखिरी के ब्रोंक्यूल किसमें एंड करेंगे? एल्वोलाई में। किसमें एंड करेंगे? एल्वोलाई में।
ठीक है, फाइन। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार फुल वॉल्यूम में सुनो प्रेम प्रकाश, फुल वॉल्यूम में सुनो, ठीक है? ध्यान से देखो, आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है? प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस किस में एंड हो रहा है? सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, आखिरी वाला, और आखिरी वाला फिर एल्वोलाई सैक में। तो देखो ध्यान से, नजर आ रहा है आपको? ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर सैक। देखो ऐसे आखिरी में ये एल्वोलाई है और ये आखिरी वाला ब्रोंक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये एक्सचेंज में हेल्प करते हैं गैसेस की, ठीक है? अंडरस्टूड? ये चीज समझ आई आपको? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एल्वियोलर सैक। ओके, अब हम बात करते हैं, जो मैंने पढ़ाया है बस वही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, के स्वाति पूछ रहे मैम, एल्वोलाई में सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथीलियम होगा? हाँ जी, एल्वोलाई में सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथीलियम होगा, ठीक है? डाउट पूछते रहो, मैं रिप्लाई करती रहूंगी। ओके चलो आगे बढ़े। सो आपको पता है हमारे नोज है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ये दो है ना लिप्स के ऊपर, है ना? ये नेजल चेंबर, नाक के अंदर नेजल चेंबर होता है, नेजल पैसेज जाता है, ठीक है? नेसल चेंबर नेजोफैरिंग्स में एग्जिट करता है, जैसे ओरोफैरिंग्स होता है, फैरिंग्स, ओरो मतलब आपके माउथ का और नेजो मतलब नाक के एंड वाला पोर्शन, नेजोफैरिंग्स, ठीक है? विच इज अ पोर्शन ऑफ फैरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेजोफैरिंग्स किस में ओपन होगा? ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस किस में जाएगा? ट्रेकिया में। आपको समझा चुकी हूँ ट्रेकिया, है ना? ट्रेकिया किस में जाएगा? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है? लैरिंग्स किस में जाएगा आपका बच्चे? लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में जाएगा ना। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है कि एपिग्लॉटिस होता है जो फूड की एंट्री बचाता है लैरिंग्स में, ठीक है गाइस? ओके फाइन, यू हैव अंडरस्टूड दिस। के स्वाति देखो ये नाक है ना, तो यहाँ पे ये नोजल नेजल ओपनिंग है, ठीक है? ये नेजल चेंबर है, तो नेजल चेंबर में आखिरी में नेजोफैरिंग्स होता है, नेजोफैरिंग्स, फिर ऐसे कॉमन फैरिंग्स होता है, फिर आपकी दो ट्यूब्स में यहाँ पे ओरोफैरिंग्स हो गया जो माउथ का एरिया आ रहा है, तो ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, एक ईसोफेगस, एक ट्रेकिया। तो नेजोफैरिंग्स ऊपर वाला पोर्शन होगा ओरोफैरिंग्स के। देखो नेजल एरिया है और ओरल एरिया है, नेजल एरिया के एंड वाला नेजोफैरिंग्स, उसके नीचे ओरोफैरिंग्स जो माउथ का एंड वाला एरिया, फिर ओरोफैरिंग्स के बाद आपका दो ट्यूब्स में डिवाइड होगा, आपका एक होगा आपका ईसोफेगस और दूसरा होगा आपका ट्रेकिया, ठीक है? ओके गाइस, ये चीज समझ आई? मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ध्यान से, तो ये नेजल एरिया, तो ये नेजोफैरिंक्स, ठीक है? ये ओरल एरिया माउथ, तो ये ओरोफैरिंक्स, ये भी थोड़ा सा कॉमन फैरिंक्स एरिया, दोनों का कॉमन। उसके बाद ये यहाँ पे लैरिंग्स ट्रेकिया में जाएगा और ये ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है? क्लियर? Is that clear to you? So, is my voice also clear? नहीं नहीं कैरी मिनाटी, पूछ लीजिए, 10 बार पूछ लिया आपने मैम एक डाउट, पर आपने डाउट नहीं पूछा। Is that clear to you? हाँ जी वॉइस क्लियर है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइस, लुक हियर, मैं ये बता चुकी हूँ ना, एज ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई
bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus and then bronchioles, terminal bronchial, respiratory bronchioles, right? ठीक है, तो ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये प्लीज याद रखना, ये नीट क्वेश्चन भी है. कहाँ कहाँ आपको रिंग्स दिखेंगी? ट्रेकिया में रिंग्स दिखेंगी, कार्टिलेज की, हाइलाइन कार्टिलेज की, प्राइमरी में दिखेंगी, सेकेंडरी में दिखेंगी, टर्शरी में दिखेंगी और स्टार्टिंग के ब्रोंकियोल्स में दिखेंगी. पर आखिरी के ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में आपको नहीं दिखेगी. ठीक है, ओके ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ये चीज समझ आई? सो ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल विल गिव राइज टू थिन इरेगुलर वॉल वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वोलाई. तो एल्वोलाई जो होते हैं वो बहुत ही पतले बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस. यानी कि अगर आपको एल्वोलाई को खोल दो ना, तो आपका एक लॉन टेनिस का कोर्ट भर जाएगा. इतने ज्यादा पैक्ड होते हैं वो कि ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके. जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बेटर एक्सचेंज ऑफ गैस. ठीक है, सो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई कंप्राइजेस द लंग्स. We have two lungs covered by pleura with pleural fluid between them. हमारे lungs की दो covering है, visceral and parietal pleura, और उनके बीच में pleural fluid है जो कि इन दो layers को rub नहीं होने देता, friction बचाता है. ठीक है guys? Okay? जो outer pleural lining है वो किससे attached है? Rib से, और inner वाली lung से. क्या आपको ये चीज समझ आई? जो parietal pleura है वो किससे attached है? To ribs. और अंदर वाली किससे अटैच है? टू लंग्स. और उनके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड. और प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन बचाएगा और उसका प्रेशर हमेशा कम रहेगा देन द लंग्स. ओके गाइस, इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से तो वॉइस क्लियर आ रही है. प्रेम प्रकाश को वॉइस क्लियर नहीं आ रही. क्या बाकी सबको वॉइस क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है. सो द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नेजल्स. देखो बच्चे, हम नाक से शुरू कर रहे हैं, नाक से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, आखिरी के ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल बिफोर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो आते हैं, वो सब कंडक्टिंग पार्ट होगा. वहीं आपका एल्वोलाई और उसके एल्वियोलर डक्ट्स, जिनको रेस्पिरेटरी डक्ट्स बोलते हैं, वो आपके एक्सचेंज का पार्ट होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होंगे. तो दो पार्ट हैं, एक कंडक्टिंग सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा? नाक से टर्मिनल ब्रोंकियोल, फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एनटीबी, फ्रॉम नोज एरिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. रेस्पिरेटरी में क्या आएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई. ठीक है, ओके, फाइन गाइस, इज दैट क्लियर टू यू? सो द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई. कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ गैस ट्रांसपोर्ट करेगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब मॉइस्ट करेगा, वार्म करेगा. कभी कभार बाहर की हवा कितनी ठंडी होती है, तो ठंडी हवा को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा. बाहर की हवा में कितने डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो उसको कैच करेगा, है ना? सीलिया होते हैं, आपको भी पता है, ट्रेकिया में भी सीलिया होते हैं, ब्रोंकाई में भी सीलिया होते हैं. वो सीलिया कैच कर लेते हैं आपके फॉरन पार्टिकल्स को, है ना? म्यूकस रिलीज करते हैं और सीलिया ब्रूम की तरह काम करते हैं, झाड़ू की तरह. ओके गाइस, सो एक्सचेंज पार्ट इज द एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. अंडरस्टूड गाइस? हाँ, ये चीज समझ आई आप लोगों को? इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, इज दैट क्लियर टू यू गाइस, एवरीबडी? तो आपको अभी तक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाहर वाला पार्ट समझ आ गया जो मैंने बताया पूरा का पूरा. बच्चे लास्ट पॉइंट में बस ये कह रहे हैं कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा और एक्सचेंज पार्ट कौन सा है. कंडक्टिंग पार्ट नोज से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को हटा रहा है और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक ला रहा है. वहीं एक्सचेंज पार्ट में आपके आ जाएंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, जो ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, ओके गाइस, अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे एक्चुअली में लंग्स के बारे में इन डिटेल. अब ये पिक्चर देखिए पहले तो. क्या आप ये इस प्यारी सी एनिमेशन को देख सकते हैं? आपको दिख रहा होगा कि लंग्स जो होते हैं वो थोरासिक कैविटी में प्लेस्ड हैं. थोरासिक कैविटी मतलब आपकी ऊपर वाली कैविटी,
ऊपर वाली कैविटी में क्या है, रिब्स हैं, फ्रंटल में स्टर्नम है, फ्रंट में एक बोन है ना स्टर्नम, देख सकते हो इसको बोलते हैं स्टर्नम, ये सेंटर वाली बोन जो है जहां पे मेरा एरो जा रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, आई विल हाईलाइट दिस टू यू। तो ये वाली जो बोन है ये है स्टर्नम, ठीक है, और बाकी के रिब्स, तो आपके रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रहे हैं, आगे स्टर्नम है ना, राइट गाइस, अंडरस्टूड। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा है द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक कैविटी के अंदर है, ठीक है। कोई भी चेंज अगर थोरैसिक कैविटी में आएगा तो लंग्स में भी आएगा, क्योंकि लंग्स चिपके हुए हैं रिब्स के साथ, समझ रहे हो, अगर लंग्स चिपके हुए हैं रिब्स के साथ तो रिब्स में अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो लंग्स में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ बताओ प्रेम प्रकाश पीयूष बताओ, अगर थोरैसिक चेंबर में वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स में भी बढ़ेगी, है ना, अगर थोरैसिक चेंबर में वॉल्यूम घटती है तो लंग्स में भी घटेगी, ये चीज समझ आएगी ना, राइट। तो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एयर चेंबर, एयर टाइट चेंबर, ठीक है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि लंग्स आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे से, क्या है पीछे, रीढ़ की हड्डी है जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, आगे क्या है स्टर्नम जो मैंने हाईलाइट किया, लेटरली साइड में रिब्स, और नीचे डायफ्राम, देखो ध्यान से देखो, डॉर्सली मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, साइड में रिब्स है, और नीचे डायफ्राम है, आपको ये चीज समझ आई गाइस, क्या आपको ये चीज समझ आई, ऊपर नीचे साइड में सब जगह क्लियर हुआ, हां जी। तो इस तरह से सेटअप है इस थोरिक्स का, थोरिक्स मतलब थोरैसिक कैविटी का, कि कोई भी चेंज आया थोरैसिक कैविटी में वो चेंज हमें रिफ्लेक्ट होगा लंग कैविटी में, मतलब पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है, ओके गाइस। और ये फर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बताऊंगी क्यों, आपको समझ आया आगे से क्या है, पीछे से क्या है, साइड से क्या है, और नीचे से क्या है लंग्स के, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, साइड से रिब्स, और नीचे से डायफ्राम। चलो अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है पहले उनका ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है ध्यान से देखिए, पहला स्टेप है ब्रीदिंग, पहले हम सांस अंदर लेंगे, वो आपके पूरे नोज से, नेजोफेरिंग से, लैरिंग से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से एल्वोलाई तक जाएगी और एक्सचेंज होगा, ओ टू जाएगी ब्लड में और सीओ टू जाएगी एल्वोलाई में, डिफ्यूजन होगा ना, राइट, फिर ट्रांसपोर्ट होगा उन गैसेस का, अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब भाई हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट होगा उन गैसेस का थ्रू द ब्लड, डिफ्यूजन एक बार फिर से ब्लड और टिश्यू में होगा, एक बार ऑक्सीजन ब्लड में चलेगी उसके बाद टिश्यूज में भी तो जानी चाहिए ना, ये चीज समझ आ रही है आपको गाइस, हाँ, पहली डिफ्यूजन एल्वोलाई एरिया में हो रही है, दूसरी डिफ्यूजन टिश्यू एरिया में हो रही है, फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे आपकी टिश्यूज ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, इज दैट क्लियर टू यू गाइस, क्या आपको ये चीज समझ आई, चलो हाँ, तो अभी भी एक्साइटमेंट बरकरार है कि नहीं, आधा घंटा खत्म हो गया है, आप लोगों को मजा आ रहा है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है चैप्टर, हाँ समझ आ रहा है, देखो स्वाति सबसे पहले आप सांस अंदर लोगे है ना, फिर वो कहाँ जाएगी, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मतलब लंग्स में, लंग्स में जाएगी, फिर ऑक्सीजन जाएगी और सीओ टू एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन और सीओ टू का एक्सचेंज होगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, फिर वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से, हार्ट कहाँ पंप करेगा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरे ऑर्गन्स को, है ना, तो वहां पे भी एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जब एक्सचेंज होगा तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को आएगा और फिर हार्ट से लंग्स को और लंग्स से सीओ टू बाहर, तो ये चक्र तो आपने टेंथ में पढ़ा ही है, राइट गाइज, मैं इतना तो अज्यूम कर सकती हूँ कि आपको इतना तो आता ही है, राइट गाइज, है ना। चलो अब इंस्पिरेशन समझें, इतना समझें इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज बोली थी, जब थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग में भी इंक्रीज होगी, याद रखनी ये चीज, ठीक है। अब मेरे को सांस अंदर लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 4
460 mmHg, ठीक है, सॉरी 760, सॉरी गाइस कितने दिन मुझे सही भी नहीं किया, 760 mmHg। ये आपको पता है सबको वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बैरोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं एट द सी लेवल 760 mmHg, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सांस अंदर लूँ तो एयर कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर सांस आए लंग्स के, तो उसके लिए मुझे अपने लंग्स का प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट गाइस, ये चीज समझ आती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, तो मैं चाहती हूँ कि लंग्स में एयर आए, तो लंग्स में एयर कैसे आएगी, जब मेरी लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, क्योंकि एयर कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज समझ आती है। एयर कैसे जाती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज समझते हो आप। तो मेरे को किसी तरह लंग्स में प्रेशर कम करना है, मेरे को किसी तरह लंग्स में प्रेशर कम करना है, तो कैसे कम करो, वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है, जस्ट लुक एट दिस, इस पिक्चर को अच्छे से, इस एनिमेशन को अच्छे से देखना, दिख रहा है आपको, डायफ्राम की मूवमेंट देखो, डायफ्राम की अच्छे से मूवमेंट देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जा रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जा रहा है, और रिब्स में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, कौन से मसल्स होते हैं, रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होके रिब्स बाहर की तरफ जाते हैं। तो इमेजिन करो मेरे को ना प्रेशर कम करना है लंग्स में, तो लंग्स में कम करना है तो थोरैसिक कैविटी में कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो रिब्स हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ, तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो सोचिए आपने रिब्स बाहर की तरफ खींचे और डायफ्राम नीचे की तरफ खींचा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सांस बाहर से एयर से अंदर आएगी, है ना, आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान से देखो। तो दो चीजें हो रही हैं जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, पहली चीज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे पुश हो रहा है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, नाम याद रखने पड़ेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर की तरफ खींचे जा रहे हैं, था, ठीक है, लाइक दैट। ये चीज समझ आई आपको गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस, पीयूष, केशवाति, निदा, प्रिया, दिशा, समझ आया, हाँ, ये चीज समझ आई, तो बाद में फिर से इसकी तरफ आएंगे, पहले अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंस्पिरेशन के टाइम क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन के टाइम दो चीजें हो रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है आपको, डायफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, ओके, और दूसरी बात, रिब्स के बीच में आपके मसल्स हैं, तो रिब्स और स्टर्नम आर रेज बाहर की तरफ जा रहे हैं, रिब्स आर मूविंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, अंडरस्टूड, तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इज इन टाइटली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर कम हुआ, ठीक है, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एयर कहां से कहां आएगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि एयर मूव्स डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ ना, डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, बाहर ज्यादा प्रेशर अंदर कम प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं जिसको, तो एयर बाहर से अंदर आएगी, अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड टू यू गाइस, ये चीज समझ आई आपको, अब इंस्पिरेशन तो समझ आ गई, है ना, सबको आ गई, सबको आ गई समझ, अब एक्सपीरेशन समझते हैं, एक्सपीरेशन के टाइम क्या होगा, ऑस्मोसिस कहां से आ गया पीयूष, प्रेशर ग्रेडियंट है ना, तो प्रेशर में एयर मूव कर रही है हाई टू लो प्रेशर, ठीक है, अब एक्सपीरेशन का समझो, एक्सपीरेशन में डायफ्राम रिलैक्स करेगा, अगर डायफ्राम भी रिलैक्स करे और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और रिब्स बाहर की तरफ थे वो भी रिलैक्स करे, अगर दोनों रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, रिब्स अंदर की तरफ आएंगे, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन ऐसे है, याद रखना, ऐसे रिलैक्स्ड है और ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है, प्लीज ये ध्यान रखना, डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है और ऐसे रिलैक्स्ड है, तो वॉल्यूम कम हो गई,
है ना, वॉल्यूम कम हो गई, रिब्स अंदर की तरफ आ गए क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो गए, डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया, दोनों रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हुई है, प्रेशर बढ़ेगा, बाहर की कंपैरिजन में ज्यादा है प्रेशर, तो कहाँ से कहाँ जाएगी एयर, लंग से बाहर, एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट। क्या आपको ये चीज समझ आई, एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, लंग से, फ्रॉम इनसाइड इन टू आउट, इनसाइड टू आउट, ये चीज समझ आई। क्या आपको ये चीज समझ आई सबको, पक्का? ग्रेट। अब इस एनिमेशन को फिर से देखो, बहुत प्यारी एनिमेशन है। जब एक्सपिरेशन होना है तब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगे और डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, जब इंस्पिरेशन होना है तो रिब्स एलिवेट करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज रियली ब्यूटिफुल एनिमेशन, ये आपके डाउट्स क्लियर कर देगी। अभी ये चैप्टर का टेस्ट हो स्कूल में तो फिर से देखने आ जाना, एक ही यू नो 2-3 घंटे में आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े। सो बच्चों, वैसे तो मैंने ये सब पढ़ा रखा है, अभी समझाया, तो एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि ना मैम, ऐसा ना लगे कि मैम ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, बाहर की सांस अंदर लेते हैं, एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, जब अंदर की सांस बाहर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडिएंट, बहुत चालाकी से हमारी बॉडी एक डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट करती है बिटवीन लंग्स एंड एटमोसफेयर। ठीक है, फाइन। जब इंस्पिरेशन होता है तो एटमोस्फेरिक 760 होता है, तो लंग्स क्या कर लेते हैं, 758 कर लेते हैं, जब इंस्पायर करना होता है, जब एक्सपायर करना होता है तो बाहर का एयर का 760, तो लंग्स क्या कर लेते हैं, 762 ज्यादा कर लेते हैं। फर्क देख रहे हो आप, 2-2 mmHg का डिफरेंस कर लेते हैं, जब इंस्पायर करना है तो कम कर लेंगे, जब एक्सपायर करना है तो ज्यादा कर लेंगे। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यही तो मैंने आपको बताया, इंस्पिरेशन तभी होगी जब लंग्स के विद इन द का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर को क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब देर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कम है ना, अंदर का प्रेशर कम है बाहर से तो नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर से तो पॉजिटिव प्रेशर बोलेंगे। ओके, ठीक है, फाइन। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब सांस बाहर छोड़नी है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बाहर का कम होना चाहिए। इसमें इन्वॉल्व है आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच क्रिएटिन्स। ठीक है, ओके, जब इंस्पिरेशन होनी है तो ये एक्सेस ये याद रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये तो आपको समझ आया ना, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, विच इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, प्लीज ये ध्यान रखना। डायफ्राम कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और रिब्स कैसे कर रहे हैं, ऐसे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, समझ रहे हो, ये लाइन नीट में आती है कि डायफ्राम कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है और रिब्स कहां से कहां इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम, डायफ्राम ऊपर और नीचे इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर हेड पोस्टीरियर नीचे वाला पोर्शन, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर रहे हैं, और रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो डॉर्सो वेंट्रल है, पीछे और आगे फ्रंट एंड बैक में इंक्रीज कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको, ये दो टर्म्स क्लियर हुई, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सो वेंट्रल। तो आपको पूछा जाए कि जब इंस्पिरेशन हो रही है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, आप आंसर देंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। फिर आपसे पूछा जाए जब इंस्पिरेशन हो रही है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आप आंसर देंगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर हमें पढ़ना नहीं आता है ना, तो ऐसे पढ़ना है आपको अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए नीट में भी और सीबीएसई में भी या फिर जो भी आपका बोर्ड है। आगे, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, बोला था ना कि जो भी चेंज थोरैसिक कैविटी में आएगा वही चेंज पल्मोनरी कैविटी में आएगा, क्योंकि लंग्स के साथ चिपके हुए हैं रिब्स। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड?
इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एयर बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। और एक्सपिरेशन में क्या होगा, द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे तो थोरैसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो एयर अंदर से बाहर जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस, हैव यू अंडरस्टूड दिस। देखो, अगर आप जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ना चाहते हैं तो तब भी हो सकता है, जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ सकते हैं ना, तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लिख लो, अगर आप जबरदस्ती सांस, ये लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में पर बोला गया ना, ये देखो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, रिब्स के बीच वाले मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। जबरदस्ती अगर सांस बाहर छोड़नी है तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मसल्स क्या करते हैं, रिब्स को अंदर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन देखो, ऑन एन एवरेज एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 12 से 16 टाइम्स इन अ मिनट। नॉर्मली एक इंसान कितनी बार सांस अंदर और बाहर छोड़ता है, 12 से 16 टाइम इन अ मिनट, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड गाइस, ये याद रखना है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है एक टेस्ट होता है, अगर आपको जानना है कि आपकी लंग्स की कितनी क्षमता है, कितनी सांस वो अंदर ले सकते हैं, कितनी सांस वो बाहर छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं स्पायरोमीट्री। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीट्री। ये टेस्ट बहुत ही शानदार सा टेस्ट होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी एयर अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। तो स्पायरोमीटर के थ्रू होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ आया, अभी तक हमने स्टार्टिंग से क्या किया, अब तक समझ आ गया, स्पायरोमीट्री की तरफ बढ़े, बढ़ जाए गाइस, एवरीबॉडी इज रेडी। चलो यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, स्पायरोमीटर मशीन होती है, जिसके थ्रू स्पायरोमीट्री होती है, टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होती है कि मैं नॉर्मली सांस अंदर और बाहर छोड़ रही हूँ तो कितना छोड़ रही हूँ, नॉर्मल सांस अंदर ले रही हूँ, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रही हूँ, तो कितना छोड़ रही हूँ, 500 ml के करीब। एक हेल्दी इंसान 500 ml छोड़ता है लंग्स के बाहर, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आई। तो आपको याद है एक मिनट में हम कितना छोड़ेंगे, क्योंकि 12 टू 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं ना इन अ मिनट, तो 12 इंटू 500 और 16 इंटू 500, तो 6000 से 8000 ml ऑफ एयर हम ब्रीथ करेंगे इन अ मिनट, है ना। ये चीज समझ आई। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। कितनी सांस मैं नॉर्मली अंदर ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मल, ठीक है। अभी बैठी हूँ तब नॉर्मली, गुस्से में नहीं हूँ, कुछ नहीं है। 12 से 16 टाइम हम ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट, तो कितने इन अ मिनट हम एक्सपायर और इंस्पायर कर रहे हैं, 6000 से 8000, 12 इंटू 500 6000, 16 इंटू 500 8000, राइट गाइस। टाइडल वॉल्यूम सबको क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होता है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि बच्चों जबरदस्ती सांस अंदर लो, जबरदस्ती एक्स्ट्रा सांस अंदर लो, नॉर्मल सांस तो आप ले रहे हो, जबरदस्ती भी सांस लो, 500 तो आप नॉर्मली ले सकते हो, उसके सिवाय आप एक्स्ट्रा सांस ले हो, तो वो जितनी सांस आप अंदर ले सकते हो वो तो आपकी लंग्स पे डिपेंड करेगा ना, आप कितनी ले सकते हो। किसी के लंग्स खराब हैं, फाइबरस हैं, तो वो तो नहीं ले पाएगा, पर वहीं हम हेल्दी पीपल अच्छे से एक्स्ट्रा सांस अंदर ले पाएंगे। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 2500 से 3000 ml ले सकता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल एक्स्ट्रा सांस मैं कितनी ले सकती हूँ जब मैं जबरदस्ती सांस अंदर लेती हूँ, समझ आई ये बात। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दिस एवरेज इज 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है, अंडरस्टूड।
गाइस ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं यार जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ो, ठीक है, आप मेरे अंदर टेस्ट कर रहे हो और मैं कहूं बच्चे अब जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ो, तो एक्स्ट्रा एयर आप कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हैं 500 ml को छोड़ के। 500 ml तो हमने देख लिया, 500 ml को छोड़ के भी तो आप एक्स्ट्रा सांस छोड़ रहे होंगे जब आप जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा सांस आप कितनी छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये होती है कम ऑब्वियसली 1000 से 1100 ml, ठीक है। आप देखना, हमेशा देखना, आप सांस अंदर ज्यादा ले सकते हैं और सांस बाहर कम छोड़ सकते हैं, राइट गाइस, समझ आया टाइडल वॉल्यूम, IRV ERV सबको। अब ये एक ग्राफ बनता है, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे शायद बना भी हुआ है, अरे ये रहा, ध्यान से देखना, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये रहा, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम इसके ग्राफ में ऐसे दिखाई जाती है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, ठीक है, ऐसे 500 ml ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, 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 नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाए जबरदस्ती सांस अंदर लो, ठीक है, ये जबरदस्ती सांस अंदर लो, ये ठीक है, ये फिर आपको कहा जाए जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ो, ये फिर नॉर्मल सांस लो, बस इतना सा टेस्ट होता है, ठीक है, ओके। तो टाइडल वॉल्यूम आपको समझ आया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, उसका ग्राफ समझ आया, ये नॉर्मल वाला, ये राइट है ना। अब ध्यान से देखना IRV क्या है, IRV इज एक्स्ट्रा सांस आप जो अंदर ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, IRV 2500 से 3000 ml होती है, कितनी एक्स्ट्रा सांस आप अंदर ले रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन, इतना समझ आया गाइस, इतना समझ आया। अब एक्स्ट्रा अब कितनी सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं जबरदस्ती, वो ये ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, ठीक है। एडिशनल एयर जो आप इंस्पायर कर रहे हैं वो IRV, एडिशनल एयर जो आप एक्सपायर कर रहे हैं वो ERV। अब एक बात बताओ, जब आप जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ एयर लंग्स में बच जाएगी, टोटल एयर जो लंग्स में है, अब अगर मैं कह दूं इतनी एयर है पर उसमें से जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ दो, फिर भी कुछ एयर लंग्स में बचेगी, उससे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं RV, क्या बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होती है 1200 ml। क्यों लंग्स में क्यों बच जाती है, नहीं तो लंग्स पिचक जाएंगे ना, ये चीज समझ आती है आपको। अगर आप जबरदस्ती सांस बाहर भी छोड़ते हैं फिर भी कुछ सांसें आपके एयर में बच लंग्स में बच जाती हैं ताकि आपके लंग्स ना पिचकें, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। इज दैट क्लियर टू यू गाइस, क्या आपको ये चीज समझ आई पक्का। FRC देखो, FRC क्या होता है, FRC की फुल फॉर्म बता रही हूँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि नॉर्मली मैं सांस छोड़ रही हूं ले रही हूं तब कितनी सांस लंग्स में बची है, देख रहे हो, नॉर्मली मैं सांस अंदर ले रही हूँ बाहर छोड़ रही हूँ, अभी बैठी हूँ आपसे बातें कर रही हूँ और लंग्स से सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, तब भी कुछ ना कुछ तो एयर बची है ना लंग्स में, वो आरवी से तो ज्यादा ही होगी, उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कितनी एयर नॉर्मली मेरे लंग्स में बचती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। समझ आई ये बात रिया, कितनी एयर मेरे लंग्स में बचती है नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, हिंदी में लिख लेना, एक बार रिपीट करती हूँ सारे टर्म्स। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली सांस अंदर ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ कितना, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जबरदस्ती में कितनी अंदर सांस ले सकती हूँ, एक्स्ट्रा एडिशनल एक्स्ट्रा कितनी सांस अंदर ले सकती हूँ, IRV 500 को छोड़ के, ठीक है। ERV जबरदस्ती कितनी सांस बाहर छोड़ सकती हूँ 500 को छोड़ के, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ तब कितनी एयर लंग्स में बची है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ ठीक है तब कितनी एयर मेरे लंग्स में बची है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर मैं जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ रही हूँ तब कितनी एयर मेरे लंग्स में बची है, रेसिडुअल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर टू यू,
इक्वल्स टू ई आर वी प्लस आर वी, क्या मैं कह सकती हूँ ये? खुद देख लो, ई आर वी जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ी थी और आर वी रेजुअल वॉल्यूम, कह सकती हूँ मैं? ये नीट क्वेश्चन है। एफ आर सी इज ई आर वी प्लस आर वी, ई आर वी कितना है 1000 से 1100, आर वी कितना है 1200, तो 2200 से 2300 ml, तो एफ आर सी कितना है 2200 से 2300 ml, नीट क्वेश्चन। आया समझ के नहीं आया? इतना सिंपल वे में समझा दिया एकदम, क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब तीन चार चीजें ना एडिशन से ही हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, तीन चार चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आपको याद है मैंने आपको बोला था आई आर भी होता है कितनी एक्स्ट्रा सांस अंदर ली, ठीक है, तो नॉर्मली कितनी सांस अंदर ली, वो तो जबरदस्ती टीवी प्लस आई आर भी होगा ना, आई आर भी है कितनी एक्स्ट्रा सांस अंदर ली, ठीक है, तो आईसी क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आई आर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ी और कितनी सांस मैं अंदर ले सकती हूँ जबरदस्ती, एडिशनल कुछ एडिशनल के साथ टोटल वॉल्यूम का ऐड कर रही हूँ मैं। वैसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल अंदर सांस लेने के बाद मैं कितनी एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ सकती हूँ, तो टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है, बस ऐड करना है टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ईआरवी प्लस आरवी, अभी बताया ना 2200 से 2300 ml, इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको सारी वॉल्यूम्स क्लियर होगी, मैं लिख देती हूँ, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ईआरवी 2500 से 3000 ml, फिर आपकी ई आर वी 1000 से 1100 ml, आर वी 1200 ml, फिर आई सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3000 से 3500 ml, है ना, ऐड ही तो किया है बस मैंने टीवी प्लस टीवी प्लस आई आर वी को, राइट गाइस? फिर ई सी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बस मैंने क्या करना है 1500 से 1600 ml, कैसे किया, बस टीवी प्लस ईआरवी कर दिया, ठीक है, ओके, फाइन गाइस। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, 2200 से 2300, तो टीवी सॉरी ईआरवी प्लस आरवी, ओके गाइस। सारी वॉल्यूम्स लिख दी मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा, और समझा भी दी, है ना, समझा दी ना, ठीक है। एक होती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि सारी एयर ऐड कर दो सिवाय आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम के, तो आप ये कह सकते हैं टीबी प्लस आईआरवी प्लस सीआरवी, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। डेफिनेशन में मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं कितनी सांस अंदर ले सकती हूँ जबरदस्ती, जब मैंने जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ी है, मैंने जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ी तब कितनी मैं सांस अंदर ले सकती हूँ, तो सब ऐड हो रहा है, ईआरवी भी टीवी भी आईआरवी भी, वो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखो कैसे बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, बाकी सब में नॉर्मल एक्सपिरेशन था, जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ी तो ईआरवी भी आ गया, जबरदस्ती सांस अंदर ली तो आईआरवी और टीबी भी आ गया, राइट गाइस, है ना, वाइटल कैपेसिटी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कितनी सांस मैं बाहर छोड़ रही हूं जबरदस्ती, जब मैंने जबरदस्ती सांस अंदर ली है, या फिर कितनी सांस मैं जबरदस्ती अंदर ले रही हूं जब मैंने जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ी है, वाइटल कैपेसिटी। तो यू कैन ऐड टीबी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी तो नाम से ही पता चल रहा है, पूरे लंग्स की कितनी क्षमता है, तो इसमें आपने सब ऐड कर देना है, सब, ठीक है, दो बार नहीं ऐड करना, बस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी, ये ऐड कर दो, या फिर आप इसे यू कैन राइट वीसी प्लस आरवी, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, दो तरीके। टोटल लंग कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन लंग आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जब आपने जबरदस्ती सांस अंदर ली है तो कौन कौन सी एयर है आपके अंदर, जब मैं जबरदस्ती अंदर सांस ले रही हूँ तो कौन कौन सी एयर है मेरे अंदर,
बताओ। हाँ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो है ना। राइट गाइस, तो टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होती है अप्रोक्सीमेटली। कितने होते हैं 6000 ml। वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट कर लोगे आप, कर लोगे 500 ml। ठीक है, ये कितना लेना है 1100 ले लेते हैं। आईआरबी कितना लेना, 2500 ले, 2500 से 3000 होता है ना। ठीक है, तो फोर्टी थ्री हंड्रेड एम एल के करीब आ रहा है। ठीक है, नहीं 5300 के करीब आ रही है, तो गलत हो गया, 4600 तक होता है ये तो। मैंने दो बार तो कुछ नहीं लिया, मैंने गलती से रेजिडुअल वॉल्यूम ले लिया, सॉरी गाइस। मैंने वही, मैं सोचो गलती से मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम ले लिया, तीन ही तो ऐड करने। ओके सॉरी गाइस, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं लेना वाइटल कैपेसिटी में। ओके ठीक है, 4100 ml। ओके अंडरस्टूड बच्चे। पीयूष मैंने बस ना क्या किया, वाइटल कैपेसिटी किया तो 500 टाइडल वॉल्यूम का, 1100 ईआरवी का और 2500 आईआरवी का। ठीक है, ये तो टोटल लंग कैपेसिटी है, ये फॉर्मूला टोटल लंग कैपेसिटी के हैं दोनों। ठीक है नंदनी, क्लियर? अगर आप 3000 लेते हो तो भी आपका 4600 ml आता है, अगर आप 3000 लेते हो 2500 की जगह तो 4600 आता है। तो वाइटल कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 4100 टू 4600 ml। ओके गाइस, टीएलसी बचे पीयूष, सारी लंग वॉल्यूम ऐड कर दो, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी एयर लंग्स में अकोमोडेट हो सकती है जबरदस्ती सांस लेने के बाद, तो उसमें जबरदस्ती सांस ली वो भी आ जाएगी। ठीक है, आपकी टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगी, जो जबरदस्ती सांस आप बाहर छोड़ सकते हो वो वाली भी आ जाएगी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगी, है ना। राइट, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। लेट्स मूव टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्पायरोमेट्री सबको समझ आया, इंटरेस्टिंग था ना, वाजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? ठीक है, खेलना है इसके साथ, आपको समझ आ जाएगा। चलो अब बच्चे, एक्सचेंज कैसे होता है ये जल्दी से मैं निपटा दूंगी, बहुत इजी है, एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, तो बच्चों एक टर्म होती है पार्शियल प्रेशर। क्या टर्म होती है? पार्शियल प्रेशर। केमिस्ट्री में पढ़ी है, एक होता है प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर, पढ़ा है? तो आप ऐसे लिखते हैं स्मॉल पी ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल में ना पांच गैसेस हैं। ठीक है, एक बॉटल है उसमें पांच गैसेस हैं और उन पांच गैसेस का प्रेशर होता है कुछ भी होगा, एक्स मान लो। तो वो जो एक्स होगा वो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर होगा ना, राइट? अगर मैं एक बॉटल दे रही हूँ, बंद बॉटल, और उसमें पांच गैसेस हैं और वो सारी अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं टोटल प्रेशर उस बॉटल का, उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हर एक गैस, उसके सम के इक्वल होगा? तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है उस टोटल एयर प्रेशर में। ठीक है फाइन, तो ये कैलकुलेट किया गया है, जो आप सांस अंदर लेते हैं ना एल्वोलाई में, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। कितना होता है? 104 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 40 mmHg। ठीक है फाइन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लाती है, सबको हार्ट का डायग्राम आता है, 10th में पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40 mmHg और CO2 का कितना है? 45। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर एल्वोलाई में 104 है ऑक्सीजन और ब्लड में 40 है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड। सही बात है, एल्वोलाई में एक्सचेंज ऐसे होगा, डिफ्यूजन होगा ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम 45 टू 40। राइट गाइस, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी? 45 टू 40, क्योंकि डिऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 है, ऑक्सीजनेटेड में 40 है,
तो 45 से 40 जाएगी, है ना। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो वो ब्लड में जाएगी, और CO2 का प्रेशर ब्लड में ज्यादा है तो CO2 एल्वोलाई से एक्सहेल हो जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, क्लियर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन हार्ट को लेके जाएगी, ठीक है। हार्ट पंप करेगा एओटा से उस ब्लड को आर्टरीज में, तो आर्टरीज में देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, पर कितना है 95 mmHg, बाकी टिश्यूज ने भी तो ले लिया ना, हार्ट ने भी ले लिया कुछ ऑक्सीजन। CO2 का कितना है 40 mmHg, देखो ध्यान से देखना। ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, CO2 का 40 mmHg, ठीक है। टिश्यूज में कितना होता है, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 और CO2 इज 45, उल्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना, तो खुद सोचो। तो ब्लड से ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज में और CO2 टिश्यूज से ब्लड में, ये चीज समझ आ रही है, ध्यान से देखो एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg है, टिश्यूज में 40 है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली ब्लड से टिश्यूज में जाएगी, और CO2 में 45 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, सिंपल राइट। ये तो बहुत ही इजी है पीयूष, समझ आया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 का लेवल कितना है 40, PCO2 का 45, ठीक है। तो ये वैल्यूज पूछी जा सकती हैं आपको, अंडरस्टूड, पक्का। चलो अब देखो ध्यान से एल्वोलाई, और इसमें एल्वोलाई में बच्चे कौन सा एपिथीलियम होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, कौन सा एपिथीलियम होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज होना बहुत आसान है उसके थ्रू, राइट। क्योंकि जितना ही थिन मेम्ब्रेन उतना अच्छा, जितनी थिन मेम्ब्रेन उतना बेटर एक्सचेंज ऑफ गैस, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका थिन होना बहुत जरूरी है, और उसका ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है, और उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है होना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस, राइट। तो एल्वोलाई, एल्वोलाई के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका, एल्वोलाई का और ब्लड कैपिलरी का। ब्लड कैपिलरी का कौन सा एपिथीलियम होता है, ब्लड वेसल का भी है, यही होता है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम भी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ही होता है। एल्वोलाई और ब्लड के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर एपिथीलियल टिश्यू लाई करता है। नंदिनी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसपे सेल्स लाई करते हैं, जैसे ये सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल सेल्स है ना, तो वो चिपकने के लिए एक मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे ईंटों को रखने के लिए आप सीमेंट लगाते हैं ना, सीमेंट चिपका के रखता है सेल्स को, वैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन चिपका के रखता है सेल्स को, एपिथीलियल सेल्स का फीचर है, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स हैं, एल्वोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड, ये 1 mm से कम थिकनेस की हैं, दिस इज लेस देन 1 mm थिकनेस, सोच सकते हैं कितनी पतली है, तभी तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड गाइस, ओके। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, शुरू करें। अब नया टॉपिक आ गया है, क्या आप लोग रेडी हैं, आपने मेरा इतना साथ दिया, ठीक है, और मैंने भी आपका साथ दिया, तो ध्यान से सुनिए, बस बने रहिए ताकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। और जिस सिंपल वे से मैं पढ़ाती हूँ वो सिंपल वे से आपको सीधा दिमाग में बैठ जाता है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब हमने ये समझ आ गया कि ना ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगी और CO2 भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगी, पर कैसे, ब्लड को क्यों बाइंड करेगी, ब्लड को कैसे बाइंड करेगी, है ना, वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो जब तक खत्म नहीं हो जाता पीयूष तब तक चलेगा। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, हम सबको पता है ब्लड के थ्रू जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन में 97% ऑक्सीजन कैरी होती है थ्रू हीमोग्लोबिन, याद रखना, अगर मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन कैसे कैरी होती है, तो 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड करके और 3% डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में बहुत कम डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, प्लाज्मा में नहीं डिजोल्व हो पाती क्योंकि प्लाज्मा वाटर है ना, मोस्टली इट इज वाटर एंड वाटर में ऑक्सीजन नहीं डिजोल्व हो पाती एज कम्पेयर टू CO2, CO2 ज्यादा होती है, ठीक है, राइट। सो 3% ऑफ O2 इज कैरीड इन
एंड डिजोल्व स्ट्रेट थ्रू प्लाज्मा. ओके, CO2 कैसे ट्रैवल होती है? CO2 बच्चे तीन अलग तरीकों से ट्रैवल होती है. इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, CO2 20-25% कैसे ट्रैवल करती है? थ्रू बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड करके. ठीक है, 7% होती है डिजोल्व इन प्लाज्मा फॉर्म, प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया. ठीक है, ज्यादा डिजोल्व हो सकती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. और 70% कैसे ट्रैवल करती है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव आयन. 70% इट ट्रैवल्स थ्रू बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म, दैट इज HCO3 नेगेटिव. ये कैसे बनता है ये मैं समझाऊंगी. ठीक है, अभी आपको इतना समझ आया, वैल्यूज लिख लीजिए. अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे. सबसे पहले ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है इसके बारे में बात करते हैं. शुरू करें गाइस, करें. आप सबको पता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता क्योंकि ढेर सारे हीमोग्लोबिन डिपॉजिट होना होता है आरबीसी में. हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की वजह से रेड कलर आता है. आप सबको पता है इज अ रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी, है ना. ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती पक्की नहीं है, रिवर्सिबल है. अब इसका क्या मतलब है? Hb can bind to O2, but Hb can dissociate also with O2. मतलब कि ऐसी दोस्ती है, जब कंडीशंस अच्छी होंगी तब बन जाएगी, जब कंडीशंस अच्छी नहीं होगी तब टूट जाएगी. होती है ना कुछ दोस्ती ऐसी, वैसी दोस्ती है Hb के O2 के साथ. तो Hb कहता है यार अगर कंडीशंस होंगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है, तब मैं तुमसे बाइंड कर लूंगा. किस किस कंडीशन में Hb O2 से बाइंड करता है, किस किस कंडीशन में Hb और O2 की दोस्ती होती है और एसोसिएशन होता है, किस किस कंडीशन में? लो पीएच, सॉरी, लो CO2 की कंडीशन में कम CO2 होना चाहिए. ठीक है, कम CO2, ठीक है, हाई पीएच, पीएच कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, और हाई O2 की कंडीशन में, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. इन कंडीशंस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दोस्ती करने को रेडी है. अगर CO2 ज्यादा हुआ, पीएच कम हुआ, O2 कम हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो Hb और O2 की दोस्ती टूट जाती है. Hb कहता है मैं तभी तुम्हें ट्रांसपोर्ट करूंगा अगर कंडीशंस फेवरेबल है. ये कंडीशंस एल्वोलाई में मिल जाती है, ये कंडीशंस एल्वोलाई में आराम से मिल जाती है क्योंकि आपको भी पता है एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना, राइट. ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104 mmHg, है ना. और CO2 का कितना होता है? 40 mmHg, है ना. और आरबीसी में PCO2 कितना होता है? 45 mmHg. और PO2 कितना होता है? 40 mmHg, राइट गाइस. इतना समझ आया आप लोगों को? तो क्या होगा? तो CO2 एल्वोलाई में जाएगा और O2 आरबीसी में जाएगा. O2 फिर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा, तो ये एसोसिएशन हो गया. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये लाइन पढ़िए, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 molecules ऑफ O2. एक हीमोग्लोबिन 4 oxygen के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 chains होती हैं. एक हीमोग्लोबिन में 4 globin chains होती हैं, 2 alpha 2 beta. हर चेन एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है, तो 4 chains 4 oxygen molecules को कैरी कर सकती हैं. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन क्या कह रही है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती किस पे डिपेंड करेगी? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर. और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती नहीं करेगा. ठीक है, समझ आई बात सबको? एक बार थम्स अप दे दो अगर आ गई है. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा है, अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तो दोस्ती टूटेगी हीमोग्लोबिन की CO2 से, O2 से. ठीक है, एक कर्व बनाते हैं. चलो
एक कर्व बनता है, इस कर्व को ध्यान से समझिए। परसेंटेज सैचुरेशन बाय हीमोग्लोबिन, एचबी इज हीमोग्लोबिन। ध्यान से देखना, हाँ ये सिग्मोइड कर्व है, आपको दिख ही रहा है नंदनी, इस कर्व में क्या नजर आ रहा है ध्यान से देखिए गाइस, कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता रहेगा। एक लेवल आएगा कि जितना मर्जी ऑक्सीजन का आप बढ़ा लो प्रेशर, जितना मर्जी आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है और हीमोग्लोबिन नहीं बाइंड कर पाएगा। ठीक है फाइन, तो ना ध्यान से देखिए इस कर्व को, आप नजर मारना ब्लैक वाली लाइन पे, ब्लैक वाली लाइन पे। ठीक है, इस कर्व को ध्यान से देखिए, सिर्फ ब्लैक वाली लाइन को देखिए, सिर्फ ब्लैक वाली लाइन को। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 30 mmHg पर कितना पार्शियल प्रेशर है? 45% है। 30 mmHg पर हीमोग्लोबिन 45% सैचुरेटेड है। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्वाति, पर होल्ड ऑन, ध्यान से देखिए। ये जो कर्व बनाया है इसके अकॉर्डिंग ध्यान देखना, 30 mmHg पर कितना परसेंट सैचुरेटेड है आपका हीमोग्लोबिन? 45%। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे बढ़ता रहेगा सैचुरेशन, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सैचुरेशन बढ़ता रहेगा। आपको पता है, आपको पता है मोर देन 45 mmHg पर 75% सैचुरेशन हो जाता है। कितना? 75% सैचुरेशन हो जाता है। सोचिए 45 mmHg पर 45% सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सैचुरेशन का मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। ठीक है, पीयूष हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से किस कंडीशंस में बाइंड करता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, और ऑक्सीजन की प्रेशर कम है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब समझ आया। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि 45 mmHg तक 75% सैचुरेशन हो जाता है, 75 मान लो, 70 मान लो, उसके करीब करीब। ठीक है ओके, अब आप जितना 75% तो हो ही है राइट, अब 45 से ऊपर ऊपर 90% सैचुरेशन हो जाता है। मतलब कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। इतनी चीज समझ आई आपको? पर एक लेवल आएगा जो कि है 75 mmHg, कि उस लेवल पे आप जितना मर्जी हीमोग्लोबिन को लालच दे लो ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 95% सैचुरेट हो चुका है। समझ रहे हो, 75 mmHg पे वो 95% सैचुरेट हो चुका है। अब 75 के बाद आप 80 कर लोगे, 100 कर लोगे, 100 से ज्यादा जितना मर्जी बढ़ा लोगे, बहुत ही कम इंक्रीज होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग। समझ रहे हो, तभी तो सिग्मोइड कर्व है। आ रही है ये बात समझ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो बड़ी झट से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, पर एक ही लेवल तक। जब वो 100% सैचुरेट हो जाएगा तो आप जितना मर्जी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है बाइंडिंग की। ऐसा कर्व आपने एंजाइम और सब्सट्रेट वाले में भी देखा था, एंजाइम सब्सट्रेट वाले ग्राफ में बायोमोलिक्यूल्स के, ये चीज समझ आई? तो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एसोसिएशन करेगा, पर एक ही पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर। उससे ज्यादा बढ़ा दोगे जब 100% सैचुरेशन हो जाएगी, तो जितना मर्जी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। ठीक है ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? अब ध्यान से देखना,
ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी कंडीशंस नॉर्मल पर है, पर ये कर्व हम कहते हैं शिफ्ट्स टू द राइट, हम कहते हैं दिस कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ये कर्व राइट को शिफ्ट हो जाता है जब, कब, जब पीएच कम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब ग्लाइकोलिसिस बढ़ता है, जब सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब इसका क्या मतलब है, कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। पहले देखो पहले क्या हो रहा था, अब मैं ब्लू लाइन से बनाऊंगी, ब्लू देखना, पहले 30 mmHg पे 45% सैचुरेशन हो रहा था, अब उसी 30 mmHg पे कितना कम सैचुरेशन हो रहा है, नजर आ रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती टूट रही है। पहले 45 mmHg पर 75% सैचुरेशन हो रहा था और अब सिर्फ 47%, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है, पहले 75 mmHg पे 95% सैचुरेशन हो रहा था, अब सिर्फ 75% सैचुरेशन हो रहा है, उससे भी कम। क्या आपको चीज नजर आ रही है, ये चीज कि अगर पीएच कम हो, सीओ टू ज्यादा हो, एच प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत टिश्यूज को ज्यादा है और मेरे को कम। ये चीज समझ आए, ये चीज समझ आए, जब टिश्यूज में पीएच कम हो रहा है, सीओ टू का लेवल बढ़ रहा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ के ऑक्सीजन टिश्यूज में चला जाएगा। आई ये चीज समझ आपको। अब इस कर्व को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये बोहर्स कर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बोहर कर्व। इस कर्व को ध्यान से पढ़ो, चलो ब्लैक वाली लाइन को देखो, 30 mmHg पर 45% सैचुरेशन है, ठीक है, 70 mmHg पर देखो कितनी परसेंट सैचुरेशन है, अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% सैचुरेशन है। पर वही कर्व जब राइट को शिफ्ट हुआ तब देखो क्या हुआ, कम हो गई सैचुरेशन, नजर आ रहा है, जब कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा है तब सैचुरेशन कम हो रही है। आया समझ ये बात आपको गाइस? तो व्हाट इफ फैक्टर्स शिफ्ट द कर्व टू द राइट, हैव यू अंडरस्टूड? ये शिफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शिफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिंपल सी बात है, मैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये आरबीसी है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आरबीसी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और ये हमारा टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू में क्या हो रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है सीओ टू वाटर एंड एनर्जी में, तो ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो रहा है, तो सीओ टू का लेवल बढ़ रहा है, जब सीओ टू का लेवल बढ़ेगा, एटीपी बढ़ेगा, तो हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन कम हो रही है, जितनी ज्यादा ग्लाइकोलिसिस मतलब उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कम हो रही है ना, वहीं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बाउंड है ऑक्सीजन से, है ना। अब आरबीसी में क्या फैक्टर्स हैं कि ऑक्सीजन यहां से यहां टूट के जाएगा, वो चीजें बता रही हूं कि क्यों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ेगा क्योंकि वो देखेगा कि सीओ टू का लेवल बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया है टिश्यू लेवल पे, है ना, राइट, ये चीज नजर आई आपको। सीओ टू तो प्लाज्मा में चला जाएगा, सीओ टू आरबीसी में भी चला जाएगा, सीओ टू तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ेगा और ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू में और हीमोग्लोबिन सीओ टू से बाइंड करने की कोशिश करेगा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू सीओ टू। आइए बात समझ, जब सीओ टू ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन सीओ टू से दोस्ती करेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा, आइए बात समझ। तो टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का टूटना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन टिश्यूज में जा सके और सीओ टू ब्लड में जा सके हीमोग्लोबिन के थ्रू। अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड टू यू? बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाया है, राइट, क्लियर 100%? तो अब आपको समझ आया बोहर की कंडीशंस क्या है, बोहर ने क्या समझाया, बोहर ने समझाया है कि हीमोग्लोबिन बड़े आराम से ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है एल्वोलाई में, क्योंकि वहां पे सीओ टू कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर नॉर्मल है ना, वहां पे इतना ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा,
ऑक्सीजन आते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज तक पहुंच जाता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती क्यों तोड़ेगा? क्योंकि वो देखेगा कि CO2 बढ़ा हुआ है। जब CO2 बढ़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ेगा, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यूज में चली जाएगी ग्लाइकोलिसिस के लिए। आया समझ? एक बार फिर से मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेट्स रीड एनसीईआरटी, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ आई। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन, ये आपको दिखा ना। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, है ना। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम क्या रख रहे हैं? वाई एक्सिस में रख रहे हैं कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हुआ है, कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती कर रहा है। एक्स एक्सिस में हम क्या रख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा उतना परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज योर होमवर्क, आप सब इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक COP, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये ग्राफ से हमने पढ़ा ना कि कर्व राइट को शिफ्ट हो गया जब CO2 का लेवल बढ़ा, जब H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो ऑक्सीजन की दोस्ती टूट गई हीमोग्लोबिन से, राइट। अब ध्यान से पढ़ना अब मैं जो बोल रही हूँ। इन दी एल्वेलाई में जहां पर PO2 का लेवल ज्यादा है, CO2 का लेवल कम है, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, ये सब फेवर करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। क्या क्या चीजें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती कराएंगी? ज्यादा ऑक्सीजन, कम CO2, कम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, एसिडिक कंडीशंस कम होनी चाहिए, टेम्परेचर दोस्ती करेंगे। वहीं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोस्ती कब तोड़ेंगे? जब PO2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उल्टी कंडीशन। ओके, सो वेयर इन वेयर एज इन टिश्यूज द लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने दोस्ती तोड़ दी। आया समझ? तो इससे पता चलता है कि लंग्स एरिया में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती करता है और टिश्यूज एरिया में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दोस्ती तोड़ता है। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? वेरी इजी, अब समझ आ गया। तो मेरा मकसद पूरा हो गया, आपको समझाना था, समझ आ गया, बोहर कर्व बना देना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अबाउट 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि 100 ml खून का, हर 100 ml खून का वो सिर्फ ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सिर्फ 5 ml डिलीवर कर पाता है। उसमें क्षमता कितनी है? सिर्फ 5 ml डिलीवर करना ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ये यूनिट्री मेथड में आता है। कभी कभार आपसे बोलते हैं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? 5 ml। ऐसे आपको बोले 500 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, तो आप क्या करोगे? 25 ml आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? रेडी हो आप CO2 समझने के लिए? क्या आप रेडी हैं? डेढ़ घंटा हो चुका है, पता चला डेढ़ घंटा हो चुका है। बोरिंग तो नहीं लगा ना कुछ? हाँ, आई होप नथिंग इज बोरिंग फॉर यू। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मतलब मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को, कितनी बार, 20 से 30 बार पढ़ा चुकी हूँ इसी साल में, और बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, ठीक है। तो चलो फिर से करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? ग्रेट। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ध्यान से देखिए बच्चे, अभी तो बच्चे आए नहीं है, है ना। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इसको शेयर जरूर करें। अरे लैग हो गया, इंटरनेट वायर हिल गई, अब ठीक है। ओके, हाँ जी हाँ जी, आ गई वापस, पीयूष आ गई। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ध्यान से देखना। CO2 के तीन तरीके ट्रांसपोर्ट होने के बताया था, एक तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे? हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड ऑफ
अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड है, उसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते। अगर आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलोगे तो उसका मतलब है कार्बन मोनोक्साइड बाउंड है। कार्बन मोनोक्साइड तो डेथ कॉज करती है ना, एस्फिक्सिएशन हो जाता है, सांस आना बंद हो जाता है। CO2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 ट्रैवल करता है। डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के फॉर्म में कितने परसेंट ट्रैवल करता है गाइस? कितना परसेंट? 7%। और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%। ठीक है, ओके गाइस, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। CO2 is carried in the by the hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to partial pressure of CO2. अब देखो खुद ही मैंने बताया था CO2 और हीमोग्लोबिन की दोस्ती कब होगी, जब जब CO2 ज्यादा होगा। इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। CO2 और हीमोग्लोबिन की दोस्ती कब होगी? जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, ये कब होता है? टिश्यूज में, टिश्यूज में होता है ना कि PO2 कम होता है और CO2 ज्यादा होता है ना। एल्वोलाई में तो नहीं होता ऐसा, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। अब आप मेरे साथ ये बनाइए और आप जब ये बनाएंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बना लीजिए इसको, ये मैं टिश्यूज लेवल पे समझा रही हूँ। टिश्यू लेवल मतलब जहां पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रही है, CO2 बना रही है, वाटर बना रही है और ATP बना रही है। ठीक है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेके आई हुई है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ेगा। मैंने बता दिया क्यों, आपको अभी बताया। और ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज में और CO2 कहाँ जाएगा? CO2 7% प्लाज्मा में ट्रैवल करेगा, आरबीसी के बाहर तो प्लाज्मा है ना। खुद CO2 किससे बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन से, राइट? इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म HbCO2, राइट गाइस? HbCO2 नजर आ रहा है आपको। खुद CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, राइट? ठीक है, फाइन। तो मैं ये कर्व्स को हटा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप मुझे पता आपको समझ आ गया। ठीक है, CO2 डिफ्यूज हो गया आरबीसी के अंदर, नजर आया आपको, या ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया टिश्यूज में। अब खुद CO2 आरबीसी के अंदर जाएगा और CO2 और वाटर रिएक्ट करेंगे, प्लीज ध्यान देना। और ये क्या बनाएगा? H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड। आपको पता है आरबीसी के अंदर एक स्पेशल एंजाइम है, किस क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम सिर्फ आरबीसी में होता है, बिना इस एंजाइम के तो सदियां लग जाएंगी इस रिएक्शन में। CO2 और वाटर का रिएक्शन करके H2CO3 बनाते हैं एंजाइम, ये सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और H2CO3 फिर टूट जाता है H+ एंड HCO3 नेगेटिव आयंस में, तो बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस में। तो H+ आयंस तो यहीं रहते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस निकल जाते हैं प्लाज्मा में। नजर आया क्या हुआ? CO2 और वाटर बाइंड किया और H2CO3 बना, H2CO3 टूटा H+ एंड HCO3 नेगेटिव आयंस में। HCO3 नेगेटिव आयंस प्लाज्मा में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, दे विल ट्रैवल इन प्लाज्मा। और H+ आयंस का क्या होगा? H+ आयंस हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना एसिडिक कंडीशंस में ऑक्सीजन और टूटेगा हीमोग्लोबिन से, तो ये H+ आयन कंडीशंस यही तो होती है। हाई H+ आयन कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा? हीमोग्लोबिन H से बाइंड करेगा और O2 से दोस्ती तोड़ेगा, ठीक है। और HCO3 प्लाज्मा में 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 ट्रैवल करता है, राइट गाइस? राइट, ये अब बाइकार्बोनेट बाहर कैसे गया? बाइकार्बोनेट बाहर गया और CL अंदर आ गया, ये चैनल होता है बाइकार्बोनेट CL चैनल।
बाइक आपने बाहर गया, एक नेगेटिव आयन बाहर गया तो एक नेगेटिव आयन अंदर आ गया, क्लोरीन अंदर आ गया, ताकि चार्ज बैलेंस रहे बाहर और अंदर आरबीसी के। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या हुआ गाइस? क्लोरीन आयन अंदर आ गया आरबीसी के, ताकि बाइकार्बोनेट आयन ट्रैवल करके, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ट्रैवल करता है, तो प्लाज्मा में चला गया ट्रैवल करने के लिए। 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 ट्रैवल करता है इन द प्लाज्मा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम है हैमबर्गर इफेक्ट। खाते हो ना हैमबर्गर? वही वाला हैमबर्गर इफेक्ट। ठीक है, ओके, हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? क्या आपको ये चीज समझ आई? CO2 वाटर H2CO3 बना रहे हैं, H2CO3 ब्रेक डाउन हो रहा है H+ एंड HCO3 नेगेटिव आयंस में। H+ एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, तभी HBO और O2 की दोस्ती टूट रही है, और HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में जाके ट्रैवल कर रहा है। क्लियर गाइस? इसके उल्टा होगा एल्वोलाई लेवल में, एल्वोलाई में इसका उल्टा होगा। चलो एल्वोलाई बनाते हैं, ये आपका एल्वोलाई, ठीक है, और ये आपका आरबीसी। ठीक है, अब क्या होगा? एल्वोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है ना, ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, राइट? आप सबको पता है। तो अब ऑक्सीजन कहाँ आएगी? आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन और CO2 की दोस्ती टूटेगी, तो Hb+CO2 बनेगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन फिर किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? HbO2। ये चीज समझ आई आपको? और वही याद है, बाइकार्बोनेट आयन आया था तो चैनल से क्लोरीन बाहर जाएगा, जैसे अंदर आया था उस टाइम पे, अब एल्कलाई लेवल पे क्लोरीन बाहर जाएगा तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट आयन फिर H+ से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 फिर ब्रेक डाउन होगा H2O+CO2 में कार्बोनिक एनहाइड्रेट से। CO2 फिर डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द एल्कलाई, इट विल डिफ्यूज इनटू द एल्कलाई। क्या आपको ये चीज समझ आया? हाँ समझ आई है बात? ध्यान से देखो क्या हुआ। HbCO2 की दोस्ती टूटी, HB ने O2 से बन के HbO2 बना, साथ साथ याद है बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो बाइकार्बोनेट आयन वापस आरबीसी के अंदर आए, H+ से कंबाइन किए, H2CO3 बना, H2CO3 ब्रेक डाउन होगा H2NCO2 में, और CO2 फिर एक्सहेल आउट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो आपसे पूछा जाए क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हो रही है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हो रही है, बता पाओगे? ये रिवर्स हो रहा है ना, क्लोराइड बाहर वापस जा रहा है, पहले आरबीसी के अंदर आया, अब आरबीसी से बाहर जा रहा है, राइट? सो दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इज दैट क्लियर टू यू? यस गाइस, है ना? तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट, CaS कार्बोनिक एनहाइड्रेट करते हैं। मैंने सबको समझा दिया, अब आप NCERT से पढ़ लेना, आपको बेहद आसान लगेगा। ओके गाइस, एकदम कड़क, ग्रेट। तो ये समझा चुकी हूँ मैं आपको, है ना, एल्कलाई साइड पे क्या हुआ और CO2 उस पे क्या हुआ। अब आखिरी की लाइन पढ़ लीजिए। एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई। याद है वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वहां पे हमने पढ़ा था एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, याद है ना? अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई। ये जो है ना वैल्यू याद रखना। फतेह नहीं शुरू होगा आज, फतेह कल होगा, फतेह सीरीज पियूष कल होगी, एनिमल किंगडम वगैरह कल होगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, ये जो सब लिखा हुआ है ना वो डायग्राम से करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। मैंने सारा डायग्राम से समझाया, अगर आप डायग्राम से समझते हो तो क्या होता है, आपको इजीली जो लिखा हुआ है वो समझ आ जाता है। तो अपने डायग्राम्स बना के रखना। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके गाइस, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा? आपकी बॉडी ना बहुत जल्दी सेंस कर लेती है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। एक्चुअली हार्ट में ना एओटा में बहुत ज्यादा कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स ना बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि CO2 का लेवल बढ़ गया ब्लड में और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी, तो वो एक सेंसरी सिग्नल की तरह काम करता है और सेंसरी नर्व्स ना लेके जाती हैं इंफॉर्मेशन आपके
पॉन्स को, पॉन्स मेड्यूला को. तो पॉन्स को लेके गई, मेड्यूला को लेके गई, दोनों में वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं. फिर मोटर नर्व्स अराइज होते हैं मेड्यूला और पॉन्स से, वो जाती हैं आपके कहाँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स में, ताकि लंग्स इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन कर सके. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी को सेंस हो जाता है कि CO2 का लेवल बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, मोटर नर्व्स भेजेगी आपके डायफ्राम और मसल्स को, ताकि आप डीप इंस्पिरेशन कर सके, ज्यादा सांस अंदर ले सके, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सके. समझ आया? आइए बात समझ. तो इसको पढ़िए. Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body. आपकी बॉडी में हमेशा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन रहता है. This is done by neural system. A specialized center present in the medulla. Medulla में respiratory center बोलते हैं उसको, जो rhythm maintain करता है. आपके आपको आपको क्या लगता है, आपके muscles, डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, कौन कह रहा है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को? मेड्यूला से जो नर्व्स आ रही हैं, मेड्यूला से मोटर नर्व्स आ रही हैं बच्चे, जो आपके कहाँ जा रही हैं, डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में. यही है जो आपके मसल्स को कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो, सांस लेने का टाइम आ गया है, रिलैक्स करो, सांस छोड़ने का टाइम आ गया है. ठीक है, वो जो रेगुलेशन है वो मेड्यूला का सेंटर कंट्रोल करता है. एक और सेंटर है पॉन्स में. पॉन्स पता है ना, पॉन्स मेड्यूला हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं. पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अब पॉन्स में क्या होता है ना बच्चे, पॉन्स में एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक. ये सेंटर ना फोर्सफुल इंस्पिरेशन में मदद करता है. मेड्यूला तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जबरदस्ती आपको सांस अंदर लेनी हो तब मदद करता है. उसके साथ साथ एक और सेंटर होता है एपनियोस्टिक सेंटर, ये एक्सहेलेशन में मदद करता है. क्या है ना, जब आपको नॉर्मल सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है तब मेड्यूला इन्वॉल्व है. जब आपको जबरदस्ती सांस अंदर लेनी है क्योंकि एकदम से ना CO2 का लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीजन का लेवल घट गया है बॉडी में, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स में, जो ना आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है और लंबी सांस लेने को फोर्स करता है. तो एपनियोस्टिक एक्सलेशन प्रमोट करता है, क्योंकि अगर आप लंबी सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं. जैसे बलून में आप हवा भरते हैं तो आप बलून फट सकते हैं ज्यादा सांस से, वैसे अगर आप सांस ले रहे हैं और न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपको सांस लंबी लेने को कह रहा है तो आपके लंग्स फट सकते हैं प्रेशर की वजह से. तो एपनियोस्टिक सेंटर उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है न्यूमोटैक्सिक को कि अब सांस बाहर छोड़ दो. आइए बात समझ. So neural signal from pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration by alter the respiratory rate. Sorry. इन्होंने apneustic की बात की है यहाँ पे. ठीक है. A chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and H+ ions. अभी आपको बताया मैंने कि आपके heart में क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया जो सेंस कर लेता है CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन. अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो आपका पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा. पॉन्स क्या करेगा, फिर लंबी सांस लेने को कहेगा और रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बढ़ाएगा. ठीक है, ताकि ये एलिमिनेट हो सके. अंडरस्टूड? तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन योर एओर्टिक आर्च, ये हार्ट में होती है एओर्टा के पास, एंड कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे हार्ट से निकलती है, यहाँ तक जाती है फेस तक. चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन. तो आर्टरी में ये कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं जो सेंस कर लेते हैं. ठीक है, आपको एक बात पता है, ये लाइन पढ़ो, ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है कि आपकी बॉडी CO2 का लेवल जान सकती है और ऑक्सीजन के घटने का लेवल नहीं पहचान सकती. तो कभी कभार अगर आपकी बॉडी में CO2 का लेवल नॉर्मल है पर O2 का लेवल कम है तो आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी और डेथ हो सकती है. समझ रहे हो, आपकी बॉडी CO2 का लेवल बढ़ेगा, H+ का लेवल बढ़ेगा तो जल्दी से इंस्पिरेशन शुरू कर देगी, डीप एंड कॉन्टिन्यूस इंस्पिरेशन रिपीटेड. पर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा और डेथ हो सकती है क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ठीक है गाइज, अंडरस्टूड. आखिरी में आपकी है डिसऑर्डर्स, वो आपका होमवर्क है, बहुत ईजी है. ठीक है, तीन डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने, एस्मा, ठीक है,
एस्मा के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, एम्फिसीमा, बहुत इजी है, एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तीन डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं आपको। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, एम्फिसीमा से। तो मैं एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। एस्मा क्या होता है बच्चे, एस्मा में ना स्मूथ मसल्स आपके डायफ्राम के बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, वीजिंग, सांसें फूलने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है आपके ब्रोंकाई की, आपके जो ब्रोंकाई है इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाती है एस्मा में, ठीक है। एम्फिसीमा में क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनके जो एल्वोलाई है ना उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जब एल्वोलाई का सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज कम हो जाएगा ना ऑक्सीजन CO2 का, तो एम्फिसीमा में लंग्स फाइबरस हो जाते हैं और सरफेस एरिया लंग्स का कम हो जाता है, एल्वोलाई का जो वॉल्स होती है ना एल्वोलाई की वो टूट जाती है, देखो ये ऐसे एल्वोलाई है तो ऐसे बन जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है बच्चे, जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में होते हैं जैसे बैंगल इंडस्ट्री में है या फिर डस्ट में काम करते हैं या फिर सिलिका इंडस्ट्री में है, तो ग्लास इंडस्ट्री में होते हैं तो वो लगातार ना ये सब स्मेल करते रहते हैं, तो वो डस्ट उनके नाक में जाती है फिर लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है, अगर वो लंग्स में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, लंग्स फाइब्रस हो सकते हैं, खतरनाक है लंग्स के लिए। ओके ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको आज का मैराथन कंप्लीट हुआ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर मोर देन सॉरी कितने बजे शुरू किया था हमने, 4:30, ज्यादा टाइम हो गया यार है ना, मुझे लगा था 6 o'clock तक खत्म हो जाएगा, बट आई थिंक योर 6:30 होने वाले हैं, 10 मिनट ही बचे हैं, 6:30 तक खत्म हो गया, ठीक है। जो लोग एरिया माइंस एरिया में रहते हैं उनको ये इश्यू होता है। अब आप क्या करेंगे ना बच्चों, आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस एक बार एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, मेरे साथ तो पढ़ ही लिया, और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, स्पेशल क्लासेस में मैंने इसके क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप उनसे मेरे को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। सो अनलॉक द फ्री कंटेंट गाइस, कल मैराथन करवा रही हूँ मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन पे ऑन स्पेशल क्लास, ऑन स्पेशल फ्रॉम 11 AM, पूरा कंप्लीट नहीं करूंगी, कुछ कुछ टॉपिक्स करूंगी 11:30 AM, ठीक है। आप लोग आ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉग इन कीजिए, गोल CBSE क्लास 11th एंड 12th चूज करना, ठीक है। मेन्यू में स्पेशल क्लास में जाना और मेरी स्पेशल क्लास दिख जाएगी, यू कैन फाइंड मी बाय द नेम सिमरन विनायक, आप मुझे ढूंढ सकते हैं सिमरन विनायक के नाम से, जब आप मुझे सिमरन विनायक के नाम से ढूंढेंगे तो आपको इनवाइट कोड अप्लाई करना है, सिमरन लाइव या सिमरन, ठीक है, कोई भी कोड अप्लाई कर सकते हैं, सिमरन लाइव भी अप्लाई कर सकते हैं या सिमरन भी कर सकते हैं, ठीक है। और कल जरूर आ जाना, कल भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। 11:30 बजे रिकॉर्डिंग देख लेना पीयूष, कल लाइव क्लासेस होंगी, इंट्रैक्शन विद द एजुकेटर होगा, देखो ये तो होता ही है पर प्लस में क्या होगा, प्लस में आपको लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड होंगे जो यूट्यूब पर नहीं हो पाता, कि जैसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया और मैंने आपसे कहा ये लो आंसर करो, है ना। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, टेस्ट सीरीज होती है उसकी एनालिसिस होती है, ठीक है, कि आप क्या रैंक पर हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास जो कि इकलौता फीचर है प्लस का, जो बहुत अच्छा फीचर है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। फिजिक्स पढ़ तो ली, डेरिवेशन तो समझ ली, समझ भी आ गया टीचर ने क्या पढ़ाया, पर खुद क्वेश्चन करने बैठे तो बने नहीं, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे और डाउट सॉल्व नहीं करवाएंगे टीचर से तब तक अटके रहेंगे, है ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको प्लस से आता है, जो एक्यूरेसी आती है आपकी प्लस से आती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद प्लस पर जाइए, क्लास 11th एंड 12th कैटेगरी चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन, प्रोसीजर जान लिया आपने, डाउनलोड करना है, प्लस पर जाना है, गोल चूज करना है, गोल के बाद प्लस पर आप अपना मंथली प्लान चूज कर सकते हैं, 12 मंथ्स का प्लान सबसे अच्छा है, 15 मंथ्स का, अगर आप 11वीं के एंड में तो 12 महीने का प्लान चूज कीजिए, ये आपका चलेगा 12 महीने तक। अब आगे अगर आज 22 जनवरी 2021 है तो ये 2022 तक चलेगा, ठीक है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ, फुल सिलेबस, सो मेनी ट्यूटर्स आर देयर जो अपना प्लस कोर्स लेकर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं,
ठीक है, एमसीक्यू सॉल्विंग होती है, एनसीईआरटी रीडिंग होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जो कि सिर्फ प्लस में होते हैं। तो अनअकैडमी आपको सब कुछ देता है, राइट गाइस। यूज द कोड सिमरन लाइफ, सिमरन लाइफ कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपको पता है कि ये लेक्चर मैंने कितनी मेहनत से लिया है, आपको एक एक वर्ड समझाया है, तो आपका फर्ज क्या बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो, ठीक है। ओके गाइस, अगर इफ आई हिट मोर देन 200 लाइक्स ऑन दिस वीडियो देन आई विल ब्रिंग वन मोर मैराथन सेशन। अगर मेरे इस वीडियो में विद इन फ्यू डेज 200 लाइक्स आ जाते हैं तो उससे उसी टाइम आई विल ब्रिंग वन मोर मैराथन ऑन दिस चैनल, ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके गाइस, लेट्स सी इफ वी कैन गेट, अगर नहीं आते तो नो मैराथन, ठीक है। ओके, यूज द कोड सिमरन लाइफ फॉर द रेफरल डिस्काउंट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ये चैनल नया है, इसे आपके प्यार की जरूरत है, ठीक है, हमारी ड्यूटी बनती है इस चैनल को ग्रो करने की। बाय बाय गाइस, टेक केयर, यूज द कोड सिमरन लाइफ।